हेलो दोस्तों, कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया की शिमला सीरीज़ शुरू हो रही है। आज है पहला एपिसोड और ये एक करेजी फैमिली के साथ है। तो चलिए जल्दी से इस फैमिली से मिल लेते हैं। हमारी फैमिली बड़ी तूफानी है दोस्तों, ये वी आर गोइंग टू शिमला नाउ। दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। हाँ, ये पापा हैं, ये अजीत भाई, ये आशी, मतलब ये मैं और ये मम्मी। और मजा आने वाला है, एक बात तो पक्की है। yes, no क्योंकि यहाँ हमेशा तूफान चलते हैं, यहाँ आंधियां आती हैं और यहाँ पर हमेशा ओले पड़ते हैं सर पे। ओले पड़ने भी वाले हैं, मौसम भी हो रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, जहाँ जैसे मौसम हो रहा है यही होने वाला है, साफ पता चल रहा है। लाओ जी लाओ, पीछे डाल दो। अरे मुझे दे दो सब, देखो मैं मेरे पास बहुत जगह है। इसको फोल्ड फोल्ड करना चाट है ये। यार वो नहीं लिया हमने, सैनिटाइजर लिया किसी ने? हाँ जी मैंने लिया, मैंने भी लिया सैनिटाइजर, मैंने लिया। चलिए खोल लो, इसको खोल के कर लो, बेल्ट पालो यार, बेल्ट पालो, खोल के कर लो। वो दूसरा वाला भी सैनिटाइजर है, वो पड़ा तो है, वो सैनिटाइजर है। सो ये है फैमिली ट्रिप। देखिए 5 लोगों की फैमिली जा रही है ट्रिप पर शिमला, वो भी लॉकडाउन के दौरान में। गाड़ी रिवर्स हो चुकी है शिमला के लिए, इधर से डलवाना पेट्रोल, उधर से क्या बोले, उधर से निकल जाएंगे। सत्यकाल हम पहुंचने वाले हैं कालका रेलवे स्टेशन। तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो जाए कालका रेलवे स्टेशन का। कालका का रेलवे स्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि नॉर्दर्न टर्मिनस जो कि दिल्ली और कालका की लाइन को जोड़ता है, यह उसका आखिरी स्टेशन है। और कालका शिमला रेलवे लाइन जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, उसका यह स्टार्टिंग का स्टेशन है। ये 2-3 दिन के लिए ऊपर जा रहे हैं। ऊपर कहाँ, भगवान के पास? ऊपर कहाँ, भगवान के पास? ऐसे देखेगा कोई तो ये कहेंगे शिमला बोलो ना, बाप अगर ऊपर जा रहे हैं ना, ऊपर ही होगा। निकल गई 26 को जाती है। ओहो ले, टॉय ट्रेन जाती थी आपने पहले बताया नहीं यार, सारी ट्रेनें ड्रोन टॉय ट्रेन है इधर, तुम्हें कितनी बार ही कह दिया। वो लंबी है, इसमें क्या रहा, एक ही डब्बा है? हाँ तो टॉय ट्रेन में तो बहुत सारे डब्बे हैं यार, क्या करने, बहुत सारे डब्बे, पास नहीं आस नहीं, लेना नहीं देना नहीं। अच्छा पहुंच चुके हैं कालका रेलवे स्टेशन। ये है कालका रेलवे स्टेशन और हम चेकिंग के बाद एंट्री करेंगे स्टेशन के अंदर। कालका रेलवे स्टेशन हरियाणा के कालका में स्थित है और उन पैसेंजर्स के लिए जो कालका की तरफ टॉय ट्रेन से जाना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है। ऐसा रेलवे स्टेशन आपने देखा है जैसे जॉम्बीलैंड में आप पहुँच गए हैं, ना इंसान ना इंसान की जात कोई भी नज़र नहीं आता है, एकदम सुनसान है सब कुछ। कुछ रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं बस, वही यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और कोई भी नहीं, सी कम्प्लीटली एम्प्टी। एंड आई एम सरप्राइज़ कि फ़ैन के ऑन करके रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेव की जा सकती ना। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे सारे फ़ैन ऑन हैं। जनता के लिए यह स्टेशन खुला था 1891 में और सन 1999 और 2000 में इसे इलेक्ट्रिफाई कर दिया गया था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इंजन सिर्फ कालका तक ही चलते हैं। कालका से शिमला जाने वाले ट्रेन में अभी भी डीजल इंजन का वही प्रयोग किया जाता है। ट्रेन को रोकने के लिए यहाँ पे ये 2 पिस्टन लगाए गए हैं और जितने भी इलेक्ट्रिक इंजन है वो यहाँ आकर के इस जगह पर रुकते हैं। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 कालका रेलवे स्टेशन का। सो जो ट्रेन कालका की तरफ से आती है ये उनका स्टॉपेज है जहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये स्टार्ट है शिमला की तरफ जाने वाली ट्रेन्स का। अब देखिए कितनी खूबसूरत घड़ी लगाई है इन लोगों ने। कालका के रेलवे स्टेशन की समुद्र तल से ऊंचाई है 2159 फीट। यहाँ टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, 9 अलग अलग ट्रैक हैं। कालका के रेलवे स्टेशन का रेलवे कोड है KLK जो अम्बाला डिवीजन के अंडर आता है। क्या आप जानते हैं कि 1903 में जब रेलवे कंपनी ने कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर ट्रेन चलानी शुरू की थी तो इसे 2 फीट वाइड यानी नैरो गेज बनाया गया था।
लेकिन 2 साल के अंदर ही इसे बढ़ाकर 2 फुट 6 इंच नैरो गेज में कन्वर्ट करना पड़ा था। अब देख रहे हैं छत पे भी ग्लास है सो दैट आप खूबसूरती को अच्छे से इंजॉय कर पाएँ और पूरे इस ट्रैक का पूरा मज़ा ले सकें। खूबसूरती से सजाया गया है, इनके ऊपर पेंटिंग या डिज़ाइन इस तरह से किए गए हैं कि ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ऊपर आसमान मुझे तो यही पसंद है, मैं इसमें हमेशा से बैठना चाह रहा था। ये देखो लगेज तो हमारा डब्बा और ये देखो क्या बात है, ट्रांसपेरेंट पूरा, ऊपर से भी ट्रांसपेरेंट। ये देखो हाँ ये सबसे अच्छा है, हाँ मैं इसमें हमेशा से बैठना चाह रहा था दोस्त। गर्मी यहाँ ज़्यादा हो जाती है तो इसलिए एसी का अरेंजमेंट किया गया है, क्योंकि गर्मियों में जब से सनलाइट आएगी तो गर्मी ज़्यादा है तो इसको कूल रखने के लिए टेम्परेचर को एसी लगाया गया है। और ये है खूबसूरत नज़ारा अंदर का, दिस इज अनदर बॉगी आप देख सकते हैं इसे, तो इट हैज़ अ वॉशरूम। उस वाले में वॉशरूम का अरेंजमेंट नहीं है बिकॉज दैट्स मोर ओवर लाइक अ वुडन मेड। एंड ये है वो सीट, ये मैं बैठा हूँ देखिए अमेजिंग नो। सो इफ आई टेल यू द काउंट इनटू दिस बोगी देर आर मैक्सिमम 17+3 टोटल 20 सीट्स आर देयर। And if you want to stop the train anytime, this is the button which you can push. So push button to stop the train. This is a bell, and here you can put your luggage. So when traveling from this kind of train through Kalka to Shimla, which is majorly known as the toy train. So, कुछ नंबर्स यहाँ पर दिए गए जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 138 इज़ द नंबर फॉर एनी काइंड ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, 139 इज़ द सेम टू चेक योर PNR स्टेटस एंड द मैसेज सिंटेक्स इज अगेन सेम, योर लगेज लेफ्ट बिहाइंड एंड एनी हरासमेंट टू द लेडी पैसेंजर और एनी काइंड ऑफ थेफ्ट रिलेटेड कंप्लेन यू कैन कॉल 182 एंड 1322, दीज आर द नंबर्स। एंड द ब्यूटिफुल थिंग विच दे हैव डन इज दे हैव मेड अ मोबाइल ऐप, द नेम ऑफ द ऐप इज क्लीन माई कोच, एंड एनी काइंड ऑफ cleanliness and voting problem into the coaches you can use that app, the name of the app is written there, it's clean my coach, so that's the app which you can use। mujhe benches bahut acche lag rahe hain, wooden made hai with a iron frame and it's looking so nice, see look at the design they have made, wow it's so good and there are so many like it। आप लोग क्या करने लगे? पापा को दे, हम सामान शिफ्ट कर रहे हैं, ये सामान ना ये ताकि हम एक एक बैग कम हो जाएगा, एक बैग कम हो गया। हाउ कम? ये पापा को दे, ये बैग था ना इसमें okay. सामान था, ये दोनों बड़े बैग थे, हमने इनमें शिफ्ट कर दिया, ये खाली nice. हो गया, अभी यहाँ कार में रखा है। दिस इज द ओनली शॉप व्हिच इज ओपनड हियर और मैं सोच रहा हूँ कि क्या खाऊंगा। It says no bill, food is free. क्या क्या है जी खाने को, कुछ मिलेगा? खाने में तो सर अभी मैगी मिलेगा, बिस्कुट मिलेगा, केक मिलेगा और पीने के लिए? पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक मिलेगा। ओके, चाय कॉफी कुछ नहीं है? चाय कॉफी मिलेगा। ये मशीन वाला है? तो एक चाय दे दीजिए और एक बिस्किट का पैकेट। कितना हो गया टोटल? 30। तो काम वगैरह कम नहीं होना? बिल्कुल काम था। एक गाड़ी है बस। अच्छा, एक ही गाड़ी चल रही है आजकल? एक हावड़ा। कौन से वाली? हावड़ा कलका। और ये कितने बजे जाती है? ये रात को 12 बजे जाती है, 11:55 को यहाँ से जाएगी।
कालका रेलवे स्टेशन पर 2 डबल बेड, नॉन एसी और नॉन एसी रिटायरिंग रूम है, 4 बेड वाली डॉर्मेट्री है, टिकट रिजर्वेशन का सिस्टम फुली कंप्यूटराइज्ड है और आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन रिफ्रेशमेंट के लिए स्टॉल भी मिल जाएंगे। ट्रेन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इनका कहना है कि एक ही ट्रेन है जो सुबह 6:20-22 पे यहाँ से 20 मिनट पे यहाँ से चलती है, टिकट 65 रुपये की है और रिजर्वेशन होना ज़रूरी है, तो आप ऑनलाइन इसकी टिकट रिजर्व कर सकते हैं। अगर सीट अवेलेबल है तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। तो यही एक ट्रेन है जो आजकल लॉकडाउन के दौरान यहाँ से चल रही है और मैं जा रहा हूँ वेटिंग रूम की तरफ ताकि बाथरूम जा कर के आ सकूँ। शिशु चाइल्ड केयर प्लस पुरुष, तो ये है बाथरूम। तो दिस इज द अपर क्लास वेटिंग रूम, आप यहाँ बैठ सकते हैं वेटिंग रूम में। सो दिस इज़ अ हैंडमेड पेंटिंग, देख के आपको लगेगा नहीं कि हाथ से बनाई गई है, पर ये हाथ से बनी हुई पेंटिंग है। मैं लीची खाने के लिए बैठी थी, क्या डस्टबिन पास में है? डस्टबिन तो पीछे भी थे दो, वैसे उसमें मक्खियाँ बहुत थी। तो यहाँ कम है, मक्खियाँ तो हैं पर कम है। उसमें दूसरी वाली मक्खी थी जो ब्रेंड जैसी मक्खियाँ होती हैं, इसमें थोड़ी नॉर्मल अच्छी वाली मक्खियाँ। एक और हैंडमेड खूबसूरत सी पेंटिंग। I'm going to the washroom now. Bye-bye. So, ये वाला कह रहे हैं गंदा है वॉशरूम, अपर क्लास में जाओ। मैं वहीं जाके आया, वहाँ लेडीज टॉयलेट अलग है। कहाँ पे? लेफ्ट में अपर क्लास का वेटिंग रूम है, वेटिंग हॉल वहाँ पर। सो दिस इज पब्लिक टॉयलेट। जिस टॉयलेट में मैं जा कर के आया था वो अपर क्लास था, दिस इज फॉर लेडीज एंड दिस इज़ द वन फॉर द जेंट्स। और देखिए, चलिए आपको दिखा देते हैं। ओ माई गॉड, सो डर्टी, सो स्मेली, ओप्स, बहुत बुरा हाल है दोस्तों। डिस्पाइट ऑफ वियरिंग अ मास्क इट वॉज सो स्मेली देयर, मुश्किल हो गया अंदर रुकना। अच्छा यहाँ पर वेटिंग हॉल चला गया, अच्छी सलाह दी उन्होंने, सलाह मान लेनी चाहिए कभी कभी। पहले हावड़ा और कालका दोनों ही स्टेशन पर कैरिज वे बनाए जाते थे, जिसमें वॉइस रॉय और दूसरे वीआईपी लोग अपनी गाड़ी में बैठकर सीधे ट्रेन की बोगी तक पहुंच जाते थे। हावड़ा के रेलवे स्टेशन पर यह कैरिज वे आज भी मौजूद है, लेकिन कालका में इसे तोड़कर प्लेटफॉर्म बना दिए गए हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ लग्जरी ट्रेन, बाहर जो बैठने के लिए ये स्पेस बनाया गया है, ये बहुत काम का है, ये खास चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है ये हाईलाइट है इस ट्रेन की। तो यहाँ सेंटर में टेबल है, उस पर रखिए आप ड्रिंक्स, ऑफ कोर्स नॉट अलाउड होगा ड्यूरिंग द डे टाइम। एंड लुक एट द काइंड ऑफ डेकोरेशन दे हैव डन टू इट, इट लुक्स लाइक अ लग्जरी कोच। दिस वन इज एंड दिस वन एज वेल, बोथ लुक्स लाइक अ लग्जरी कोच। इट हैज़ अ सिटिंग स्पेस आउटसाइड। लीजिए इंजन आ रहा है ट्रेन के साथ कनेक्ट होने के लिए। सो ये हैं ड्राइवर और गार्ड, इंजन कनेक्ट हो चुका है और ये टेस्टिंग की तरह फुल करके देखा जा रहा है कि फिट हुआ या नहीं। ऑल सेटिंग डन, टेस्टेड। ड्राइवर साहब शिफ्ट हो जाएंगे आगे की तरफ, ये चलने की तैयारी। फ्रंट ड्राइवर कैबिन में ड्राइवर साहब आके बैठ गए हैं और अब ट्रेल चलने की तैयारी में है। यह है ZTM3, एकदम रेडी है, लगता है जैसे गियर में डाल दी गई है और ये चलने को है तैयार। ब्रेक चेकअप की रिपोर्ट है, स्टार्ट होने के पहले दोनों पार्टी ने साइन किया इसको। अभी
एक टोकन सिस्टम के थ्रू ये ट्रेन्स यहाँ पे ट्रेवल करती हैं। इसकी कहानी मैं आपको वीडियो के आने वाले हिस्से में बताऊंगा कि टोकन सिस्टम है क्या और कैसे इसे बनाया जाता है। अभी अभी इस इंजन को एक टोकन दिया गया है और ऐसा ही ये टोकन एक्सचेंज करता हुआ चलेगा हर एक रेलवे स्टेशन पर। लीजिए, इंजन चल चुका है, बढ़ रहा है मेरी तरफ। और ये है वो जहाँ मैं बैठने वाला हूँ। तुमने तो बैग पीछे शिफ्ट कर दिया था सब। हम कभी आगे हो जाएंगे कभी पीछे। बैठेंगे तो यहीं पे मजा आ रहा है। बैग हमने शिफ्ट क्यों किया था? बैठने का तो यहीं मजा आ रहा है ना कि नहीं? ओह क्या बात है। ये देखिए ट्रेन मुड़ी यहाँ पर। यहाँ पे एक जो कॉशंस लिखा है कि ड्राइवर्स प्लीज़ सुनिश्चित करें दैट द गाड़ी की ब्रेक पावर 100% है एंड दिस इज़ व्हाट ही डिड। तो अभी अभी जो गाड़ी रुकी है उसने ब्रेक लगाया एक बार और इंश्योर किया कि येस द ब्रेक पावर इज 100%। तो दैट्स वाई इट स्टॉप्ड हियर फॉर अ मोमेंट। और हम बढ़ चुके हैं कालका रेलवे स्टेशन से शिमला जाने के लिए। हाँ कुठी मोहब्बत में गहराई, एक और इंजन। अभी स्पीड पकड़ते हुए ये यहाँ का पुलिस चौकी है विच इज रेलवे पुलिस फोर्स RPF। ये कालका से शिमला टॉय ट्रेन से ट्रैवल करना खुद में एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन ये जर्नी, इसके खूबसूरत नज़ारे और बहुत सारी डिटेल होगी आने वाले कुछ एपिसोड्स में, क्योंकि ये इतनी छोटी भी जर्नी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया।